गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको कक्षा सिक्स में क्या, कब, कहाँ और कैसे इस लेसन को हम पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि लोग कहाँ रहते हैं। तो देखिए, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट के ऊपर या किनारे के ऊपर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले बच्चों, आरंभिक जो लोग थे वो कुछ कुशाल संग्राहक थे। तो इसके बारे में आप जानते हो कि आप संग्राहक क्या होता है। संग्राहक का मतलब होता है कुशल संग्राहक, क्या थे, किसी चीज को इकट्ठा करना, समझ गया, उसको संग्राहक कहते थे। तो ये क्या है कि ये लोग आसपास के जंगलों में, बच्चों नर्मदा नदी के आसपास के जंगलों में ये क्या करते थे, अपनी भोजन की तलाश में वहाँ पर परिचित जो संपदा थी या उसके बारे में वो वहाँ घूमते रहते थे। वे लोग जड़ों, फल, फूल तथा जंगल के उत्पादों को वो संग्रह करते थे। क्या करते थे, उनका संग्रह करते थे, ये उसको इकट्ठा करते थे। और जानवर जो होते थे बच्चों, उनका आखेट, आखेट का मतलब होता था, क्या मतलब होता था, कि शिकार करना, जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस पकाकर या कच्चा ही खा लेते थे। आपको ये पता है कि जितनी भी सभ्यता है, पहले भी आपको बताया था, जितनी भी सभ्यता है, सभ्यता से भाव क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या अन्य मेसोपोटामिया सभ्यता, तो जितनी भी जो सभ्यता है वो नदियों के किनारों पर या तट के ऊपर या कहने का भाव जहाँ पर बच्चों पानी का साधन होता है वहाँ पर ये सभ्यता पनपी है और वहीं पर इनका विकास हुआ है। और धीरे धीरे उन नदियों के तट के ऊपर क्या है कि बड़े बड़े शहर बसे हैं। पहले कस्बे या छोटे छोटे गांव बसे और उन वो जो शहर या वो थे उन्होंने एक कस्बे का या शहर का बड़ा रूप ले लिया। इसी में हम क्या है कि बच्चों आगे चलते हैं कि अब तुम ये उत्तर पश्चिम में, गिरधर, ये भारत का नक्शा है बच्चों, देखिए इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। उत्तर पश्चिम में ये उत्तर है, ये पश्चिम है, समझ गए बच्चों। इसमें क्या है, गिरधर और सुलेमान, अब ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं या पहाड़ियाँ हैं, ये क्या है, अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है बच्चों, ये अफगानिस्तान में है और ये इसके सहारे है, पाकिस्तान के सहारे। इसी तरह से गिरधर जो है ये पाकिस्तान में है, ये भी एक पहाड़ी है। तो ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर भी क्या है कि लोग बाग यहाँ पर भी रहते थे। और यहाँ पर कम से कम आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर कृषि का काम शुरू किया। तो बच्चों कितने हजार, 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर कृषि का काम उन्होंने शुरू किया। शुरू शुरू में उन्होंने गेहूं और जौ बोना शुरू किया। क्या क्या बच्चों, गेहूं और जौ बोना शुरू किया।
तो देखिए बच्चों, वहाँ उन्होंने क्या की, खेती की, और उन्होंने इसके साथ ही भेड़ है, बकरी है, या पालतू जो पशु है वो बच्चों पालना शुरू किया। ये जो कुशल संग्रह थे जिन्होंने फल फूल जड़ें और अन्य जो चीज़ें का संग्रह किया, आगे चलकर ये इन पहाड़ियों में इनके पास आसपास खेत बनाकर ये रहने लगे। खेती का काम उन्होंने शुरू किया। खेती का काम शुरू करने के बाद सबसे पहले उन्होंने जौ और चावल जो था वो बोना शुरू किया। इसके बाद क्या है, लोग गांव में रहने लगे, गांव में वो लोग रहने लगे। इसके बाद क्या, उत्तर पूर्व में गारो और उत्तर पूर्व में गारो और विंध, ये दो पर्वत हैं बच्चों, ये पहाड़ियां हैं या पर्वत हैं। ये कौन कौन सी है, ये देखिए विंध, ये मध्य प्रदेश में है, विंध पहाड़ी है। दूसरा क्या है बच्चों, ये गारो है, ये है आसाम में। तो ये बड़ी पहाड़ियां हैं, यहाँ पर भी लोग रहते थे, गांव बनाकर रहते थे और छोटे छोटे गांव, फिर बाद में किसका रूप ले लिया बच्चों, ये शहरों का रूप ले लिया, बड़े बड़े कस्बे या क्या है कि ये शहर बन गए। इस क्षेत्र में कृषि का भी विकास हुआ बच्चों, इस क्षेत्र में कृषि का भी विकास हुआ और इसके साथ ही लोग कृषि से अपना भोजन प्राप्त करते थे, कई तरह की फसलें बोते थे, पशु भी रखते थे, उन पशुओं को उन्होंने पालतू बना दिया, जैसे गाय है, भैंस है, या भेड़ है, या बकरी है, इनको इन्होंने क्या बना दिया, पालतू बना दिया। तो इसी तरह से आगे जो आता है बच्चों, वो देखिए अपने सिंधु नदी का क्षेत्र। अब ये देखिए सिंधु नदी जो है, ये देखिए ये भारत से झेलम आती है, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये पांच नदियां हैं। इन पांच नदियों के नाम पर ही पंजाब का नाम पड़ा है, नामकरण पंजाब हुआ है इन पांच नदियों के। ये भारत से ही जा रही है, आगे चलकर ये पांचों नदी एक बड़ी नदी में कन्वर्ट हो जाती है, बड़ी नदी में ये बदल जाती है। उस नदी का क्या नाम है बच्चों, उस नदी का नाम है सिंधु घाट, सिंधु नदी। ये देखिए ये पाकिस्तान में जा रही है, ये सिंधु नदी है। इसके तट के ऊपर भी बहुत से बड़े बड़े कस्बे हैं, शहर हैं, गांव हैं, और ये पांचों नदियां इसमें मिल जाती हैं। और इसके बाद ये पाकिस्तान में पानी की सप्लाई करती है, पाकिस्तान के लोग इसी नदी से खेती करते हैं। इसके बाद ये नीचे अरब सागर है, यहाँ पर इस अरब सागर में ये नदी क्या है गिर जाती है। अब क्या है कि बच्चों, ये जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, इसमें ये जो नदियाँ आकर मिली हैं, ये सहायक नदियाँ हैं। इनको क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो छोटी नदियाँ आगे चलकर या बहती हुई आगे जाकर एक बड़ी नदी में समाहित हो जाती हैं या बड़ी नदी में मिल जाती हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, ये इसको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। जो छोटी नदियाँ बड़ी नदी में विलीन हो जाती हैं या मिल जाती हैं या समाहित हो जाती हैं, उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। ये पांचों की पांचों है, झेलम, चनाव, रावी, ब्यास, सतलुज, ये पांचों की पांचों क्या है बच्चों, ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं और ये एक बड़ी नदी है। आगे जाके बच्चों ये कहाँ पर गिर जाती है, ये सिंधु नदी अरब सागर में ये गिर जाती है। शुरू शुरुआत में क्या है, इस नदी के क्षेत्र में छोटे छोटे जो कस्बे थे वो
थोड़े पहले गांव थे, फिर बड़े कस्बे बने, फिर उन कस्बों से वो शहर का रूप धारण कर लिए और अब काफ़ी बड़े शहर वो बन गए हैं। तो इसलिए बच्चों ये आज का इसमें मैंने आपको ये समझाया है, इसको ध्यान से आप देख लेना। और इसके साथ ही मैं विराम देता हूँ। थैंक यू बच्चों।